हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज ये वाला ब्लॉग जो है वो मैं डाल रहा हूँ तकरीबन 7-8 दिन के बाद। आपने सबा का ब्लॉग देखा होगा, जो सारी जो भी चीज़ें हुई हैं सबा ने आपको सारी सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताई हैं। और यही रीज़न था कि इतने दिन से ब्लॉग नहीं आया था, क्योंकि ऑब्वियसली हम सब इस माइंड फ्रेम में नहीं थे कि उस वक्त हम ब्लॉग बनाएं या चीज़ें डालें। और उस वक्त हम बता भी नहीं पाए, क्योंकि हमें हमेशा ये रहता है कि एक बार ब्लॉग में जब थोड़ा चीज़ें नॉर्मल होंगी, हम अपनी डेली लाइफ में बैक टू नॉर्मल होंगे, उसके बाद हम ब्लॉग्स में आपको सारी चीज़ें बताएंगे, डिटेल में बताएंगे सारी चीज़ें। तो ये था कि यह सबा के साथ जो भी चीज़ें हुई हैं, जो होता है, सबा ने भी बोला है, हम हमेशा बोलते हैं इस चीज़ को कि जो होता है अल्लाह की मर्ज़ी से ही होता है। तो इसमें भी अल्लाह की मर्ज़ी है, कुछ अच्छा ही होगा। और यही रीज़न था कि ब्लॉग नहीं गए थे। और ये वाला ब्लॉग जो है, जो इसके बाद आप देखेंगे, वो पापा के बर्थडे पे मैंने शूट किया था, जो कि था 6 मई को वो शूट किया था। एंड देन 7 को मैं किसी रीज़न की वजह से ये ब्लॉग नहीं डाल पाया, क्योंकि एडिट नहीं हो पाया था, मैं शूट पर निकल गया था, बहुत बिजी थे। हाँ, एडिट नहीं हो पाया था, मौका नहीं मिला था। एंड देन 8 तारीख को जो है वो सबा का स्कैन था, एंड उसके बाद ये सारी चीज़ें हुई, पता चला, तो फिर तो मतलब नहीं। बट सबा अल्हम्दुलिल्लाह अभी ठीक है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है वो, सनी उसके साथ है एक रॉक सपोर्ट की तरह, बिल्कुल वो बेटर है, काफ़ी बेटर है, अभी बैक टू नॉर्मल भी हो गई है। कल तो शायद ये लोग घूमने भी गए थे, उसका भी हम लोग आपको जल्दी देखने को मिलेगा इंशाल्लाह, घूमने भी गए थे। एंड यस, बस यही रीज़न था। मैं तो ज़्यादा वक्त नहीं दे पाया, बिकॉज शूट की वजह से, आप सबको पता है मैं रह ही नहीं पाता। आज मेरा ऑफ है, लास्ट मेरा ऑफ था 5th को, जब हम पापा की शॉपिंग करने गए थे, जो आपने ब्लॉग देखा होगा। ऐसा होता है ना, मतलब डेली सुपर ऐसा होता है कि कोई एक ट्रैक अगर चल रहा हो ना, जिसमें चीजें, हाँ, बहुत ज्यादा, और हम लोग की लाइन है, और हम लोग का ये इंडस्ट्री है ऐसा, स्पेशली डेली सोप। फिल्म का क्या होता है कि फिल्म्स आप चीजें डिले शेड्यूल है, आप डिले कर सकते हो चीजें, लेकिन डेली सोप में रोज का टेलीकास्ट जाना ही है, तो हमारे साथ ये इशू होता है, स्टॉप नहीं होता। कई कई बार तो हमने ऐसा भी देखा है कि हमारे जो कलीग्स हैं, हमने साथ में काम कर रहे हैं, उनके घर में उनके नो किसी पर्सन की पर्सनल लाइक फादर हो गया, चीज़ें हो गई, उनकी डेथ हो गई, लेकिन दूसरे दिन उनको सेट पे आना पड़ता है, और शूट के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे फिर वो हंसी मजाक को आपको वो भी करना पड़ता है, तो है। तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं दे पाया, लेकिन इसने पूरा चीज़ें जो है वो ध्यान रखा सबा का, बहुत अच्छी तरीके से साथ में आना जाना, हॉस्पिटल इवन 8 तारीख को भी जब सबा वहाँ पर गई थी, सुबह निकले थे लोग 6-7 बजे, दीपिका साथ में थी, तो उतना ही कर सकते हैं ना मिनिमम, मतलब घर पे रह के एटलीस्ट उतना ध्यान रखें। हाँ। और वो एक क्योंकि मैं भी उस चीज से गुजरी हूँ, तो वो बस उस वक्त सबका एक ही एम था कि हम अपनी तरफ से कोई कमी ना छोड़े। और बस यही, मैं हमेशा, मतलब मैं हमेशा बोलता हूँ कि थैंक यू इस चीज के, इस चीज नहीं, यू नो, पता क्या होता ना कि क्योंकि मैं यहाँ पे नहीं था, चीज़ें ऑब्वियसली बात है माइंड में चलती रहती हैं, आप स्ट्रेस में रहते हो, आपको समझ नहीं आता है क्या वहाँ पे क्या चल रहा होगा, आप ऑब्वियसली बात है, मैं बार बार फ़ोन भी नहीं कर सकता, क्योंकि सब आगे सारी चीज़ें हैं, उसका ओटी में जाना, सारी चीज़ें ये वो, लेकिन मुझे एक चीज़ से कहीं ना कहीं एक रिलैक्स रहता है कि दीपिका है, जो मतलब बहुत स्ट्रांग है, और मतलब कहीं ना कहीं नहीं, यस, मुझसे भी ज़्यादा स्ट्रांग है, और वो चीज़ों को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकती है, और वो करती है, तो इस बात का कहीं ना कहीं एक सुकून रहता है, थोड़ा सा रिलैक्स भी रहता हूँ मैं, थैंक यू इस चीज़ के लिए। तो आज ये वाला ब्लॉग जो है वो मैं डाल रहा हूँ, पापा के बर्थडे वाला, तो उसको आप देख लीजिएगा, और लास्ट का पार्ट मत मिस कीजिएगा, बहुत ही बहुत क्यूट है, हंसी वाला पार्ट है, लाफ्टर है, आपको हंसी आएगी। और अभी हम सब लोग ठीक है, सबा ठीक है, सनी ठीक है, अम्मी ठीक है, जो होना है वो होना है, उससे आगे इंसान उस चीज़ को भुला तो नहीं सकता है, लेकिन यस, अपनी लाइफ में बैक टू नॉर्मल आता है, क्योंकि आना होता है, और यही ज़िंदगी है, यही ज़िंदगी है। तो बस जो भी है, जिस हाल में भी है, अल्लाह का शुक्र है, आगे इंशाल्लाह आपको ब्लॉग्स मिलते रहेंगे, मेरे भी, दीपिका के भी, और इंशाल्लाह सबा के भी। तो बस देखिए वाला ब्लॉग। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। लास्ट ब्लॉग आपने देखा होगा, जिसमें हम लोग निकल रहे थे रेडी होके, तो ये ब्लॉग की ओपनिंग जो है मैं इससे ही कर रहा हूँ। आए हैं इन्फिनिटी मॉल मलाड, हम एक्चुअली पहले जियो वर्ल्ड जाने वाले थे, लेकिन फिर वहाँ से आते वक्त जो है ना ट्रैफिक बहुत होता है, एक पैच पे अराउंड हाफ एन आवर 45 मिनट्स हम अटकते हैं, तो फिर हम वहाँ उससे ज़्यादा बल्कि, तो हम लोग वहाँ पर आज नहीं गए, क्योंकि रात में लौट के आना है पापा के ब्रिंग इन सेलिब्रेशन के लिए,
तो फिलहाल हम आए हैं यहाँ पे इन्फिनिटी मॉल मलाड, यहाँ पे पापा के लिए करेंगे कुछ शॉपिंग, अगर हमें कुछ पसंद आया तो हम देख लेंगे, नहीं आया तो कोई बात नहीं, हम बाद में आ जाएंगे। और ये देखो बड़े अच्छे लग रहे हैं आज, वाइट सूट कलरफुल दुपट्टा क्यूट माशाल्लाह। तो फिलहाल चलते हैं अभी अंदर, हम तो भाई शक्ल कैसी हो गई है थकान की वजह से, सच में मोटा भी हो गया हूँ अभी ना थोड़ा सा, बट ठीक है यार, जब कुछ होगा फिर अभी पतला कर लेंगे यार, एक हमेशा सेम नहीं रह सकता ना इंसान बिना कुछ खाए पिए, थोड़ा बहुत लाइफ को एंजॉय करना भी ज़रूरी है, है कि नहीं है? इसी बात पे अभी चलते कुछ खाएं। हाँ ठीक है चलो चलते हैं। फिर बांध लिया, क्या ये ये क्या क्या टी शर्ट मेजर, पापा का साइज मेजर करने के लिए 41 का आगे कितना हुआ? 20 ला रहे हैं ना वो भी एल एक्सेल बहुत फिर छोटा। फिलहाल हो गई, हमने पापा के लिए शॉपिंग जो है वो कर ली है और अभी कुछ खाने आए, दो ही दिन की मतलब, हाँ मतलब थोड़ा बहुत पापा के लिए ले लिया है और फिलहाल हम यहाँ पे आए पंजाब ग्रिल कुछ खाने के लिए। और मुझे दिखाओ, इट्स वेरी मच लाइक दैट मसूरी वाला। हाँ हम लोग मसूरी गए थे बहुत पहले। लीजिए आ गया आपका बटर चिकन एंड चावल, चलो खा लो। मेरा बेबी बाहर निकलते ही तीन चीज मांगने वाला है, चाय आम और चिकन। डन, थैंक यू। तो हम हैं यहाँ पे पैंटलून्स में और आज मैंने शर्ट से बड़ी मेहनत करवा ली। मेहनत क्या है इसमें, देखो अभी मेरे कपड़े मुझे अड़ नहीं रहे हैं, लास्ट ट्राइमेस्टर के लिए हमने खूब सारे कुर्ते खरीद लिए हल्के हल्के की, भारी कपड़े संभाले नहीं जा रहे और गर्मियाँ भी बढ़ रही हैं तो इसलिए खूब सारे अच्छे कुर्ते मिल गए और शोएब की पसंद के मिले। और हो गई हमारी शॉपिंग सबके लिए, और ये देखिए ये इनकी बैटरी जो है डाउन हो गई है चलते चलते, तो ये मस्त, बाकी सब ठीक, सब चल रहा है, आराम चल रहा है। तो आ गए हम लोग घर, मैडम देखो मैं ढोलू में आ गई, ढोलू मतलब लूज लूज कपड़ों में, आराम ही नहीं मिलता है। एंड आज जब मैं आया तो मेरे पास ये रखा हुआ था यहाँ पे शीतल, आप सबको पता है पापा की फिजियो, पापा की फ्रेंड, खास फ्रेंड, निकल जाओ धर्म आप निकल सकते हैं ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसे वेट मत करो। हाँ तो उनकी उनकी फैमिली जो है वो दुबई, मम्मी दुबई गई थी तो वहाँ से मैंने उनसे परफ्यूम मंगाए थे जो मैं लेके आया था, लेकिन वो पता नहीं नहीं मिले, जो मुझे एक स्पेशल चाहिए था वो ऊद वो नहीं मिला मुझे, मुझे वज्द मिल गया, बाकी सब मिल गए आपके, तीनों भेजे थे मैंने, वज्द है, वज्द दो है, बस है ही नहीं, नहीं मिला फिर उनको। ओके तो वज्द तीन है, हाँ ऊद एक है, वज्द चार है, चार है, हाँ और वो कहाँ गया अभी जो आपने निकाला था वो, आई थिंक ये ऊद सेवन ही मैं यूज करता हूँ, यही तो, हाँ एक्सपीरियंस सेट है, समझ में नहीं आया, पता नहीं देखो खोलो, अच्छा ये एक्सपीरियंस सेट है, तो देखो फ्रेग्रेंस शायद वही हो, हाय दुबई मॉल की याद आ गई, ऊद एक वो भी आई थिंक 07 या 007 है, पता नहीं कुछ ऐसे ही, अभी कोई नहीं, एक और है आशु आ रही है उसको भी बोला हुआ है। हाँ तो फिलहाल ये चार है, मस्क भी नहीं मिला मुझे, बोला आशु को बोला, कोई नहीं आ जाएगा, कोई नहीं इंशाल्लाह डिलीवरी के बाद जब बेबी 3-4 महीने का हो जाएगा मतलब थोड़ा संभालने लायक हो जाएगा बेबी 3-4 महीने का, फिर इंशाल्लाह हम एक ट्रिप करेंगे फिर से दुबई की, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो दिसंबर नवंबर दिसंबर तक इंशाल्लाह ट्राई करेंगे। ओके डन। और ये क्लेरेंस का फेस वॉश मैंने वो मंगा लिए थे, मैंने मंगवा लिए थे, मतलब मैंने बोला था मंगाने के लिए, ओहो के मंगवा लिए थे, ओके ओके, देखिए तो कितना जिम्मेदार साउंड कर रहे हैं है? और ये
और अभी अगर मैं नहीं मंगवाती ना तो साबुन से भी मुंह धोया जा रहा होता। और ये मेरा नार्स का मेकअप जो मैं शूट पे यूज करता हूँ, ये भी मैंने मंगवा लिया था। आपको बता चुकी है कि नार्स एशियन स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, तो इसलिए मैं हमें ये यूज करने अच्छा लगा अभी। हाँ, क्यों अच्छा होता वो आप इसके ब्लॉग में देख लीजिएगा जो उसने बताया है। ये हो गया, और ये क्या है? ये उन्होंने टेस्टर्स दिए, टेस्टर्स दिए, शेड दिए। ओके, और ये क्या है? ये वो कुछ चिट पटर खाने के लिए ला के गई है, जिसमें से चॉकलेट पे मेरी नजर है। दी दो एक, प्रिंगल्स हो गए, चॉकलेट हो गया। ऑन्टी ऑन्टी मुझे नहीं पसंद। आई एम श्योर ये नीचे बच्चों के लिए होगा। हाँ, ये वो बच्चों के लिए लाई होगी। थैंक यू शीतल एंड आंटी, थैंक यू। रेडी? दिखाओ तो, साइज परफेक्ट है। चलो माशाल्लाह, पापा ये दिखाओ। आपके पास नाप तो होगा ना? नाप? हाँ, ये इंची टेप लेके घूमती है। नाप नाप के देख रही थी। हाँ, पापा को ये आ जाएगा। ट्रैक सही है? हाँ। देखो ये सब रखे हुए हैं, सब रखे हुए हैं। इसमें से दो चार मेरे भी हैं, दो चार देव की हैं, बाकी सब आपके। ठीक है, चले, चलो चलते हैं। तो अपने पापा के ले लिए, सब इसी में डाल लिया है। पापा को ऊपर चल के देंगे। एक्चुअली मैं सोच रहा कि नीचे ला के दूंगा, पापा ने बोल दिया। हाँ, मैंने कहा पापा ये सब आपके, बोलते हाँ ठीक है ऊपर दे देना। तो मैं कहा चलो चलते हैं। चलो, ये आज लिया ना कुर्ता भैया ना, ये नाइस कंफर्ट गुड। ये हाँ, ये यहाँ परहेज आए हाय हो गया सब। पापा किसके लिए? मस्त लग रहा है ना। बाल कटवाया क्या अभी आजकल में? कब? मुझे पता ही नहीं। 3 तारीख को। कब कटवाया? 3 तारीख को। सही है। अभी तक देखा था। और देखो आपने कपड़े तो आ गए, और क्या चाहिए? कुछ बताइए, आपको कुछ बताओ। कुछ तो नहीं, बहुत है कपड़े आ गए। अभी फोन भी आप यूज नहीं करते हो, वॉच भी आप इतनी यूज नहीं करते हो, क्या चाहिए कुछ ये बताओ। नहीं कुछ नहीं, कपड़े आ गए ना बस। सुबह गाने कैसे सुनते हैं? स्पीकर लाके दूं आपको एक छोटा सा आपके रूम के लिए? है ना गाना, सुन, गाना सुनने का रेडियो है नीचे। कहाँ है? कारवान? कारवान है। आओ भाई, क्या हाल चाल, कैसी है तबीयत? ठीक है, बैठो। आओ भाई, सनी का जहान तुम भी आओ। तो एज यूजुअल ये हमारा केक रिंकू की तरफ से। थैंक यू रिंकू डी केक क्रिएशन। पापा को मैंने बोला, मेरे पापा आपके कपड़े ले आया हूँ मैं। हाँ ठीक है ठीक है, ऊपर दे देना। नहीं तो ध्यान देखे, ठीक है ऊपर ले, ऊपर दे देना। थोड़ा तो सा लेफ्ट ऑफ में मस्त है देख। चलो लाओ चाकू, चाकू बोल रही है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। We are out. Happy birthday to you. कितने साल हो गए पापा? अरे माशाल्लाह। अम्मी आज आप किस करो पापा को? पापा ने बर्थडे में आपको क्या? नहीं सही है।
हम इन चारों की तरफ से हाँ क्या शक्कर ने शुगर फ्री का बनाया है। अच्छा मैं हलवा बनाया शुगर फ्री का हलवा पसंद है ना आपको? पहले कितना नाश्ता किया करते थे आप हलवा से, याद है? पसंद है आपको बहुत हलवा? पहले पता नहीं था ना हमें क्या बहुत मीठा खाते थे हम फिर सुगर। हाँ सुगर नहीं मुझे याद है पापा नाश्ते में सिर्फ हलवा ही खाया करते थे। अम्मी बना दिया करती गीला गीला लपसी सा हलवा नहीं और थोड़ी सी ना इसमें मैं लूज लाया हूँ, थोड़ा लूज पहनना गर्मी है ना, एकदम से टाइट फिट नहीं अच्छी लगेंगी। सब निकाल दो पूरा वार्डरोब चेंज पा पूरा और कुछ आपको स्पेसिफिक चाहिए हो तो बता दो आप। नहीं पापा कि मेरे पास ये नहीं है, मैं इसलिए बोलो पापा गाने सुनते मैं स्पीकर लेके आऊँ आपको। नहीं छोटा सा स्पीकर अभी तुम फोन पे लगाते हो ना अभी सुबह सुबह तो स्पीकर लाओ थोड़ा सा। नहीं कुछ नहीं उसी स्कूल में कभी कभी सुनते दाढ़ी करने का टाइम पे सुनते टाइमिंग है दाढ़ी करने का टाइम में लगता है सही। हो गया पापा की केक कटिंग, पापा वगैरह सब चले गए, हम लोग बैठ के यहाँ पे सब बतिया रहे थे सही सारी बातें अच्छी बुरी अपने पुराने दिन हम याद कर रहे थे अपने इंडस्ट्री के। तो बेसिकली मेरी और दीपिका की बात चल रही थी कि इंडस्ट्री में कैसे आए कैसे आए कैसे क्या चीज़ों पे बात चल रही थी कि इंडस्ट्री कैसे हो गई है क्या हो गई है, लोगों का टेस्ट बदल रहा है, चीज़ें बदल रही हैं, ऐसे ऐसे करते 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 वही चीज़ थी। फिलहाल हम चले ऊपर बच्चों ऊपर क्या बोलूँ हाँ सुबह वापस शूट पर जाना है तो हम चलते हैं। चलो टाटा अल्लाह हाफिज़। और इसके बाद सुबह मैं गया शूट पे, बहुत ही अच्छा सीक्वेंस शूट हो रहा था, जल्दी आपको देखने मिलेगा, जूनी में देखते रहिए। और आज जल्दी पैकअप हो गया, मैं चला घर तुम्हें पता था कैसे पता था? बस ऐसे ही। कैसे हा? आपने मैसेज किया ना कहाँ हो पता था तो इसको पता था कि मेरा पैकअप हो चुका है, फिर मैंने सोचा कि चलो हम जिम से आके इसको पिक कर लेते हैं, है कि नहीं? क्या करी स्ट्रेचिंग? करो करो करो, देख रहे हो जो भी हो आके फिट रहना ऐसे ही इस आलसी माँ को फिटनेस सिखा दी और क्या चाहिए तो हो गया है मैडम का जिम, स्ट्रेचिंग वगैरह सब अच्छे से हो गई है। कितना अनयूजुअल है ना कि आप मैं वर्कआउट करती हूँ आप मुझे ले जाएं। मैं भी करूँगा मंडे से इंशाल्लाह, मैं और सनी दोनों जाने वाले हैं, सनी को भी वर्कआउट करना है, देव अभी कुछ दिन से यहाँ पे है नहीं तो इसलिए छुट्टी थी, गांव गया हुआ था वो शादी में, आ जाएगा वो मंडे से इंशाल्लाह हम भी स्टार्ट करेंगे। अच्छा गया
फोन बोल देगी वो फोन बोल देगी कल जा नहीं पाए थे तो आज हम तुम्हें अभी लेके गया शुक्रिया आज तो कल ना हाँ बाबा ठीक है अच्छे बहुत अच्छे ये टीशर्ट जूते हल्के वाले चलने के लिए पर वो वॉक वॉक करने में मत पहनना वो जूते वो पहनना कभी आप बाहर निकलो ट्रैक के नीचे और अभी आपको ना मैं वो लेके आऊंगा अब जीन्स पहनने की आदत आ जाओ जीन्स हाँ पहनोगे बस और फिर जूते पहनोगे के नीचे अच्छा लगेगा बहुत पहनोगे जीन्स नहीं पहना आप आप डेनिम पहनोगे अब आप जीन्स कम पहनते हैं नहीं ऐसे रोज नहीं जब कोई बाहर जाना हुआ हम लोग बाहर जाते हैं तब पहनो उसके लिए बेल्ट चाहिए बेल्ट वेल्ट पूरा चश्मा चश्मा करा दूंगा अच्छे मस्त वाला पहले पुराने वाले इंबो की तरह निकलना ठीक है जो गई ना वो परेज नहीं है ना आप ही थोड़ी हुई पापा एज पापा सिर्फ आप ही एज थोड़ी हुई है क्या नहीं पापा कितना गुस्से I'm
और इसी लाफ्टर अटैक के साथ इस वीडियो करता हूँ मैं, जल्दी मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक खुश रहिए, प्यार बांटिए, अपना ख्याल रखिए, जो मर्जी है वो करिए, सही चीज़ गलत चीज़ नहीं, पेरेंट्स को प्यार कीजिए, रिस्पेक्ट कीजिए, उनके साथ वक्त बिताइए, खुश रहो यार, बस अल्लाह हाफिज़।